नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 50 लाख की चोरी की लग्जरी कारों के साथ तीन बदमाश गिरफ्तार। रामपुर थाना गंज और एसओजी की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी की 5 लग्जरी कारों सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बदमाश फरार, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। 50 लाख की लग्जरी कारों का ये जखीरा थानागंज क्षेत्र के बवनपुरी के पास से पुलिस ने पकड़ा है। ये गैंग गाड़ियों के इंजन चेसिस नंबर बदलकर, नंबर प्लेट बदलकर लोगों को बेचा करते थे। मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद रामपुर एसओजी व थानागंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्य प्रदेशों, अन्य जनपदों से गाड़ी चोरी करके उन पर फर्जी इंजन नंबर, चेसिस नंबर, नंबर प्लेट लगाकर बमनपुरी स्टेडियम रोड के किनारे खरीद परोक्त कर रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए, जिनके कब्जे से चोरी की इनोवा, फॉर्चूनर कार, अल्टो, सेंट्रो कार, 1 बुलेट तथा 8 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। फरार अभियुक्त गढ़ की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ का नाम सुलेमान मोहम्मद फैजान और मोहम्मद तौसीम है। फरार अभियुक्त गढ़ का नाम इकबाल और जितेंद्र पाल सिंह उर्फ प्रिंस है। जनपद रामपुर के एसओजी टीम व थानागंज पुलिस द्वारा एक गैंग को पकड़ा गया है, जो अन्य प्रदेशों व अन्य जनपदों से चोरी की गाड़ियां लाकर उनकी खरीद फरोख्त करता था। क्या है पूरा मामला? जनपद रामपुर के एसओजी और गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और इनके 2 साथी फरार हो गए हैं। इस गैंग का ये काम था कि अन्य प्रदेशों से और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से गाड़ियों को चोरी करके लाते थे, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, नंबर प्लेट बदल देते थे और बेचते थे। ये बवनपुर स्टेडियम जहाँ शहर में है, तो इसी के पास सड़क के किनारे ये सब ये खरीद फरोख्त कर रहे थे। इनके कब्जे से एक इनोवा कार, फॉर्चूनर कार, आल्टो कार, सेंट्रो कार, 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 8 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। इनके संबंध में थाना गंज पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जो इनके 2 फरार साथी हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। जो ये गाड़ियां बरामद हुई हैं, उनकी कीमत करीब 50 लाख रुपये के करीब।